गाइस अभी हम लोग आ गए हैं क्रम रूम की स्नो पॉइंट है, तो अभी हम यहाँ पर खेलते हैं बर्फ में दौड़ा। ये रहा हमारे स्नो में, बहुत मुश्किल हो रही है चढ़ने में। एक रोड उधर को जाएगा, एक राइट पे आएगा, लेफ्ट उधर आ रही है। ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं, मन नहीं है। अरे यार, अरे यार, दो तीन। ओ बाप रे, ऐसे लग रहा है हॉरर मूवी चल रही हो। उसके बाद इसी पे लौटना है, वही जितनी ऊपर जाए शायद उतनी कम भीड़ मिले और ज्यादा मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है, वही हो जाएगा भाई। जो कल रात में हुआ था, मैं सोच रहा था जल्दी पहुंच के खा लूंगा, भीड़ नहीं मिलेगी, सबने यही सोचा। लेकिन हम लोग आखिरी में गए थे तो बहुत शांत था। इतना अंकल रोक ना, जरा देखें उन्हें रोक दी। भाई कोई नहीं पहने, स्कैम कर दिया। नहीं वो तो सही है, वो तो सही है। लेकिन टाइम तो कम जाएंगे, धूप अच्छी पड़ रही है। वाह वो देखो, बची थोड़ी सी, इतनी भी ठंडी नहीं थी यार। ठीक है अभी बता दे आगे। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ग्राम रू जो की स्नो पॉइंट है, तो आज हम लोग यहाँ बहुत मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ से इसका व्यू देख ही सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। चारों तरफ पहाड़ी, बर्फ बर्फ भी भर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर खेलते हैं बर्फ में दौड़ा।
यहाँ बहुत मुश्किल हो रही है चढ़ने में। बहुत मुश्किल हो रही है चढ़ने में, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हो। फाइनली पैर गला के चलोगे ऐसे नीचे जाए ना चल तो चलो स्टार्ट करो। आने पानी भर देते पान में हम ऊपर चले फिर से नहीं आप नहीं जा रहे हम तो जा रहे हैं अभी अभी और ग्रिल के लिए चलनी गाइस जी हम आ चुके हैं बर्फ की वादियों में और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारी बर्फ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे और यहाँ पर आपको एक स्नोमैन भी दिखाई देगा वो देखिए स्नोमैन जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाया है। कमेंट करके बताना कैसा बना, अच्छा या बुरा। उसके बाद हमने मैगी खाई यहाँ पर, क्योंकि अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं तो मैगी खाना तो बनता है ना। हमने यहाँ पर बहुत सारी रील्स भी क्रिएट करी जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप जाकर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी ये प्लेस। तो गाइस हम लोग यहाँ पर जो स्नो पॉइंट पे घूम लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर वाटरफॉल है वहाँ पर जा रहे हैं। तो आपको थोड़ी देर दिखेगा वो सीन भी और आपने यहाँ पर बहुत सारी स्नो दिखी होगी, आपने जो बहुत सारे मूवमेंट्स दिखे होंगे हमारे इस ब्लॉग में वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगे।
तो जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, गर्मी थी यहाँ पर, कुछ अलग ही था। पर हम लोग जब शाम तक यहाँ रुके और उसके बाद जब वापस जा रहे थे होटल, तब पता चला कि यहाँ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था और सबको बहुत ठंड लग रही थी। तो यहाँ से हम लोग वाटरफॉल फिर गए नहीं, तो हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे सोलांग वैली, वहीं पर रुकेंगे और कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद सीधे होटल जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सोलांग वैली, जो कि हम लोग स्नो पॉइंट से लौटते वक्त मिली है। ये जब आप मनाली से अटल टनल जाओगे तब आपको मिलेगी। यहाँ बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया आपका, या फिर आपका यहाँ पर जिप लाइनिंग हो गया, आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको मैगी पॉइंट है जगह जगह, और यहाँ पर आप चाय भी पी सकते हो, जो भी खाना पीने की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत ही ठंडी प्लेस है। और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और अभी जो यहाँ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है, तो बहुत ठंड है यहाँ पर। इनकी हालत तो आप यही देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हिट द लाइक बटन एंड इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी मस्त ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।